बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं रेंच पिज़्ज़ा। रेंच पिज़्ज़ा के डो तैयार करने के लिए हमने मैदा लिया 2 कप, चीनी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, यीस्ट 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले हम ड्राई चीज़ें जो है वो इसमें डालते हैं। लिया है 2 टेबलस्पून, ये हम इसमें डालते हैं। नीम गरम हमने पानी लिया है ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे तरीके से राइज हो। डो हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। और इसको 15 से 20 मिनट के लिए राइस होने के लिए छोड़ देते हैं। पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए हमने चिकन लिया 1/2 kg, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स पे मैंने काट लिया। अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून और कुछ सॉसेस। टू टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस, 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करके तो 15 मिनट के लिए मैरिनेशन होने के लिए छोड़ देती हूँ। टू टेबल स्पून ऑयल हमने पैन में डाल लिया है। जैसे ही ये गर्म होता है तो फिर हम इस पर चिकन डालते हैं, उसको कुक करते हैं। ये देखेंगे मशरूम से हमारा चिकन जो है वो कुक हो चुका है, ऑयल छोड़ दी है इसने। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और बकाया रेसिपी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। रेंच पिज़्ज़ा के लिए अब हम क्रीमी सॉस तैयार करते हैं, जिसके लिए क्रीम हमने लिया 1/2 कप, मायोनीज 1/2 कप, 1/4 टीस्पून ओरिगानो, नमक 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, लेमन जूस 3 टेबलस्पून। ये देखें जी, माशाल्लाह से डो हमारी इतनी अच्छी राइज हो चुकी है। अब हम इसे पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। पैन को हम अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब ये चिकन हमने जो तैयार किया था ये इसके ऊपर लगाते हैं हम। शिमला मिर्च मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काटी है, ये अब हम इसके ऊपर लगाते हैं। टमाटर इसको भी मैंने इसी तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काटा है। सीड्स मैंने इसमें से रिमूव कर दिए, सिर्फ मैंने इसकी हार्ड स्किन जो है वो ली है। प्याज भी मैंने इसी तरह से क्यूब शेप में काटा है, ये भी हम लगाते हैं।
कुछ मैंने ऑलिव्स लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स, ये भी हम इसके ऊपर लगाते हैं। अब ग्रेट की हुई मैंने मोज़रेला चीज ली है, ये अब हम इसके ऊपर डालते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से जबरदस्त सा पिज्जा हमारा रेडी है। अब हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं। हम 20 से 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे बेक होने के लिए रखते हैं। माशाल्लाह से जबरदस्त सा हमारा पिज्जा जो है बेक हो चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ और आपको सर्विंग का तरीका बताती हूँ। तो हमने व्हाइट सॉस तैयार की थी, वो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से जबरदस्त सा रेंच पिज्जा हमारा जो है तैयार है। ये बहुत मजे की रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।